तो यहाँ देखिए जी, 5 मिनट तक हमने इसको पकाया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बहुत ही स्पेशल मीठा बना रहे हैं, जिस जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल स्ट्रॉबेरी का सीजन है, तो हमने सोचा क्यों ना स्ट्रॉबेरी से कुछ मीठा बनाया जाए। वैसे भी इफ्तार में ना मीठा खाने का भी दिल करता है। तो आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी डेजर्ट कप्स। बहुत ईजी है, झटपट बन जाते हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉबेरी डेजर्ट बनाने के लिए यहाँ पे हमने बिस्किट लिए हैं, सिंपल वाले, तकरीबन 3 पैकेट, तकरीबन ये 100 ग्राम बिस्किट है। और यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी ली आधा किलो, जिसकी मैंने पूरी एक सॉस सी बना ली है, ठीक है। आधा किलो स्ट्रॉबेरी है, इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड किया और इसकी सॉस बन गई। चीनी हम लेंगे 3 टेबलस्पून और हम इसमें ऐड करेंगे नेस्ले मिल्क पैक डेयरी बटर तकरीबन 50 ग्राम और हम इसमें ऐड करेंगे नेस्ले मिल्क पैक डेयरी व्हिपिंग क्रीम 1 पैकेट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सॉस रेडी कर लेनी है स्ट्रॉबेरी की। पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे स्ट्रॉबेरी ब्लेंड की हुई आधा किलो। अच्छा, इसमें जो पानी है ना, इसको हमने थोड़ा ड्राई करना है, ठीक है। थोड़ी सी हमने सॉस बनानी है थिक सी। अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, सिर्फ ये स्ट्रॉबेरी का मतलब एक पेस्ट है। और इसमें ऐड करेंगे चीनी तकरीबन 2 टेबलस्पून, बाकी 1 टेबलस्पून बचा लेंगे। मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन ना 5 मिनट पकाएंगे हाई फ्लेम पे, कि इसमें जितना भी मतलब चीनी का पानी है और साथ में स्ट्रॉबेरी का थोड़ा भी पानी है ना, वो थोड़ा ड्राई हो जाए और हमारी एक सॉस सी बन जाए। तो यहाँ देखिए जी, 5 मिनट तक हमने इसको पकाया और ये हमारी सॉस रेडी हो गई है। जितना भी पानी था ना स्ट्रॉबेरी का, वो ड्राई हो चुका है और चीनी भी अच्छे से खाली हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको एक बाउल में निकालते हैं ठंडा करने के लिए। चलिए अभी इसको हम रखते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। अब ऐसा है कि हमने यहाँ पे बिस्किट्स जो है ना, उनको क्रम्स कर लेना है, तो ये सारे हम चॉपर में ऐड करेंगे। बिस्किट्स के क्रम्स करते करते साथ ही हम इसमें डाल देंगे मेल्टेड बटर। चलिए अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे, बाउल में निकाल लेंगे। अब हम बीट करेंगे नेस्ले मिल्क पैक डेयरी व्हिपिंग क्रीम को। तो जब भी आपने नेस्ले मिल्क पैक डेयरी व्हिपिंग क्रीम को यूज़ करना है ना, तो उसको आपने अच्छी तरह से ठंडा करना है। ऐसा नहीं है कि आप बाजार से लेके आए, साथ ही आपने उसको फ्रीज़र में रख दिया और अच्छी तरह से ठंडा करके ना फ्रीज़र से निकाल के उसको बीट कर लिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो क्रीम होगी ना, वो अच्छे से बीट नहीं होगी। फ्रीज़र का उसको झटका नहीं देना, आपने उसको फ्रिज में रख के 5 से 6 घंटे के लिए अच्छी तरह से ठंडा करना है और उसके बाद ही बीट करना है। तो उसके बाद आप देखिएगा आपका डेजर्ट जो है ना, कितना कमाल का बनेगा। थोड़ा सा बीट किया, अब इसमें हम डाल देंगे चीनी 1 टेबलस्पून और फिर से बीट करेंगे। अब इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी सॉस, जो हमने आपके सामने रेडी की है। बीट करेंगे। चलो भाई, क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है, अब हम अपना डेजर्ट रेडी करते हैं। क्रीम को निकाल लेते हैं पाइपिंग बैग में। चलें अब रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बिस्किट्स की लेयर। तो ये देखें, बिस्किट की लेयर लगा के इसको सेट करेंगे। अब लगाएंगे स्ट्रॉबेरी सॉस की लेयर। फिर अब लगाएंगे बिस्किट्स की लेयर और अब हम लेयर लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम की। तो तैयार है बहुत ही मज़े के, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी किस्म के स्ट्रॉबेरी डेजर्ट कप्स। यकीन आपको बहुत पसंद आएंगे और अपनी अफ्तार दावत में ना आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये स्ट्रॉबेरी डेजर्ट कप्स की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं। तो ये रहा इंस्टाग्राम और इस बटन पर क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।